This is chapter 5 of the economic survey, which is by the title Creating Jobs and Growth by Specializing to Export in Network Products. So basically in this chapter, we'll be talking about the concept of network products and why exporting in these kind of products could be crucial for the development and the growth process of the Indian economy. So hum notice karenge ki is chapter mein hum primarily India ka comparison karenge with several Asian economies, such as most predominantly the Chinese economy, jahan pe in tarike ke products pe ऑफ लेटली बहुत फोकस करा गया है एंड हाउ एक्सपोर्टिंग और फोकसिंग ऑन दीज प्रोडक्ट्स हैज लेड टू अ मेजर बूस्ट टू द इकोनॉमीज लाइक चाइनीज और अदर साउथ एशियन इकोनॉमीज इंक्लूडिंग वियतनाम, कोरिया, थाईलैंड एटसेट्रा. बिलीव दैट बाय यूजिंग दिस असेंबल इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड और मेक इन इंडिया प्रोग्राम, जो ये इंडिया के लोगो जो इंडिया के प्रोग्राम्स हैं सच एज द मेक इन इंडिया प्रोग्राम, बाय फोकसिंग ऑन दीज प्रोग्राम्स इंडिया कैन क्रिएट अबाउट 4 crore वेल पेड जॉब्स बाय 2025 एंड 8 crore बाय 2030. सो एक्सपोर्ट ऑफ नेटवर्क प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट विच इज अबाउट $7 trillion इन 2025 कैन कॉन्ट्रीब्यूट अ क्वार्टर ऑफ द इंक्रीज इन वैल्यू एडेड for the 5 trillion economy by 2025. So we are going to talk about how this can be achieved for the Indian economy, and to understand how this can be achieved, it is important to first understand ki global value chains or network products hote kya hai exactly, hum inse kya inka kya meaning hota hai aur kaise kis tarike ki policy outlines se hum is in प्रोडक्ट्स में एक्सपोर्ट कर सकते हैं एंड हाउ दिस कैन लीड टू डेवलपमेंट और ग्रोथ फॉर द इंडियन इकोनॉमी. यू नो दैट वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंजेस फॉर द इंडियन इकोनॉमी इज अनएम्प्लॉयमेंट. हमारी इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा इशू है और इट इज बिलीव दैट एक्सपोर्ट्स पे फोकस करें और इस सेक्टर में अगर ग्रोथ हो तो देर this can lead to job creation in the Indian economy and this can cater to the problem of unemployment in the economy. For example, in the Chinese economy between 2000 and 2006, labor intensive exports ki madad se 70 million jobs create kari gayi thi aise logo ke liye jinki sirf primary education hai. So basically we are talking about the population jinki education itni zyada nahi hoti hai, aur by investing or by creating pathways such that these kind of people are brought in the circle of employed people, and that can be done by focusing on labor intensive sector. Even in India, about 800,000 jobs between 1999 and 2011, which represents 0.8% of the labor force, conversion hua tha of these jobs from informal to formal sector, and the reason of this conversion is the increase in the exports. Now ये जो सिचुएशन है जहां पे चाइना हैज रियली बीन वर्किंग हार्ड एंड फोकसिंग ऑन लेबर इंटेंसिव प्रोडक्शन, इस चैप्टर में हम ये प्रोपोगेट करना चाह रहे हैं दैट दिस काइंड ऑफ पोजीशन कैन एक्चुअली बी अचीव्ड बाय द इंडियन इकोनॉमी. ऐसी पोजीशन इंडियन इकोनॉमी भी अचीव कर सकती है और इंडिया को अभी ये समझना जरूरी है कि अगर हम सिमिलर ट्रैजेक्टरी फॉलो करें जो चाइनीज इकोनॉमी ने फॉलो करी थी, तो वी कैन एक्चुअली इराडिकेट अनएम्प्लॉयमेंट ऑन अ लार्ज स्केल, बिकॉज द काइंड ऑफ पॉपुलेशन दैट इंडिया हैज इज क्वाइट सिमिलर टू द काइंड ऑफ पॉपुलेशन चाइना हैज. वी डू नॉट हैव अ लॉट ऑफ स्किल्ड पॉपुलेशन. हमारी जो पॉपुलेशन है वो मेजरली अनस्किल्ड है, स्पेसिफिकली द पॉपुलेशन हु इज सफरिंग फ्रॉम अनएम्प्लॉयमेंट. जो लोग अनएम्प्लॉयड हैं इंडियन इकोनॉमी में, दे आर मोस्टली अनस्किल्ड, सिमिलर टू द सिचुएशन इन द चाइनीज इकोनॉमी, जहां पे बहुत बर्डन है पॉपुलेशन का, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है और मेजॉरिटी पॉपुलेशन जो है अनस्किल्ड है. सो जैसे चाइना ने उस अनस्किल्ड पॉपुलेशन को यूज करा है बाय इन्वेस्टिंग इन लेबर इंटेंसिव एक्सपोर्ट्स, ऐसे ही इंडिया कर सकता है. एंड अगर हम ग्लोबल इकोनॉमी की बात करें तो बिकॉज ऑफ द रिसेंट यूएस चाइना ट्रेड वॉर, जिसकी वजह से बेसिकली इन वेरी प्रिसाइज लैंग्वेज जो चाइना पे टैरिफ्स इम्पोज करे जा रहे हैं बाय द यूएस इकोनॉमी, बिकॉज यूएस बिलीव दैट जिस तरीके का ट्रेड चाइना करता है दैट इज इलीगल और इज नॉट फेयर
doesn't follow fair practices, तो बहुत सारे tariffs impose करे जा रहे हैं, जिससे कि चाइना का जो participation है in the global world in the forthcoming years restrict हो सकता है, और then the world would need alternatives because चाइना जो है global trade का एक major part है, एक major बहुत बड़ा part है, तो उस part को compensate करने के लिए countries will look for alternatives, and इस situation में इंडिया जो है इस मौके का फायदा उठा सकता है, और बाय फोकसिंग ऑन करेक्ट एक्सपोर्ट पॉलिसीज, बाय फोकसिंग ऑन करेक्ट एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स, इंडिया अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं सच एज अनएम्प्लॉयमेंट और ग्रोथ, उनको केटर कर सकता है. बिकॉज चाइना जो है एक लो कॉस्ट लोकेशन है. लो कॉस्ट लोकेशन क्यों है? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो अनएम्प्लॉयड है, एंड फॉरेन कंट्रीज जो डेवलप्ड कंट्रीज हो रही है होती हैं, जहाँ पे लेबर का कॉस्ट बहुत ज्यादा है, दे ऑलवेज वॉन्ट टू लुक फॉर लोकेशंस, ऐसी कंट्रीज की खोज में वो हमेशा रहते हैं जहाँ पे लेबर जो है उनको लो कॉस्ट पे मिले, एंड चाइना इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल फॉर दैट. बट बिकॉज ऑफ द करंट ऑन गोइंग सिचुएशन जहाँ पे चाइना की ट्रेड प्रैक्टिस को अनफेयर बोला जा रहा है, चाइना के लिए ये एक सिचुएशन है जिसको इंडिया कॉम्पनसेट कर सकता है, या इंडिया उसकी पोजीशन ले सकता है, बिकॉज इंडिया इज ऑल्सो अ लो कॉस्ट लोकेशन. इंडिया में भी लेबर का कॉस्ट बहुत कम है, और चाइना रिसेंटली लेबर शॉर्टेजेस और वेज इंक्रीज की वजह से एक थोड़ा सा कम प्रेफर्ड लोकेशन बनता जा रहा है, एंड इंडिया कैन एक्चुअली कम इन टू दिस सॉर्ट ऑफ सिचुएशन एंड टेक बेनिफिट्स फ्रॉम द सिचुएशन. तो 1991 रिफॉर्म्स, 1991 रिफॉर्म्स जो हमारे लिबरलाइजेशन के रिफॉर्म्स थे, हमने देखा है कि हमारे एक्सपोर्ट्स जो हैं, गुड्स एक्सपोर्ट्स, स्पेसिफिकली मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स जो कि गुड्स के एक्सपोर्ट्स हैं, एक्सपोर्ट्स हैव ग्रोन एट 13.2% पर एनम. हमारे एक्सपोर्ट्स जो है 1991 के बाद से इंक्रीज हो रहे हैं, लेकिन इंक्रीज होने के बावजूद जो हमारा एक्सपोर्ट का टोटल वर्ल्ड एक्सपोर्ट में जो शेयर है वो सिर्फ 1.7% है 2018 में, जिसका मतलब है कि टोटल एक्सपोर्ट्स जो इंडिया कर रही है, इफ आई डिवाइड दिस बाय द एक्सपोर्ट्स मेड बाय द एंटायर वर्ल्ड including every country of the world, then hamara jo share hai, this ratio is only 1.8% or 1.7% in 2018, it was 0.6% in 1991. So although hamare exports increase ho rahe hain, they are growing at 13.2% per annum, but this growth is not enough because hamara jo share hai wo abhi bhi bahut kam hai. If we compare this share to the Chinese share, China ka jo share hai total world एक्सपोर्ट में, दैट इज 12.8%, विच इज अ वेरी हाई नंबर. सो इफ वी कंपेयर आर सेल्स टू द चाइनीज इकोनॉमी, देन वी आर रियली लैगिंग बिहाइंड इन टर्म्स ऑफ द वर्ल्ड एक्सपोर्ट्स. हमारा जो कॉम्पोनेंट है वो वर्ल्ड एक्सपोर्ट्स के कंपेरिजन में बहुत कम है. यहाँ पे ग्राफ्स दिए हुए हैं टू डेमोन्स्ट्रेट द सेम थिंग. While exports have increased at the rate of about 13.2% per year, imports jo hain, merchandise ka, which is the imports of goods, have grown faster than the exports. 14.9% per year ke rate pe imports grow kar rahe hain, jabki exports jo hain 13.2% ke rate pe grow kar rahe hain, jiski wajah se hamara trade deficit bhi increase ho raha hai, jo hame yahan is figure mein dikh raha hai. बिकॉज हमारे एक्सपोर्ट्स आर ग्रोइंग एट अ लेसर रेट एज कम्पेयर टू द इम्पोर्ट्स, हम इम्पोर्ट्स ज्यादा कर रहे हैं एज कम्पेयर टू द एक्सपोर्ट्स, जिसकी वजह से जो डेफिसिट है, जो ट्रेड डेफिसिट है, वो भी इंक्रीज हो रहा है हमारा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जो कि हम यहाँ पे इस ग्राफ में देख सकते हैं, विच इज दैट दिस ग्रीन लाइन रिप्रेजेंट्स द करंट अकाउंट डेफिसिट. आप देख रहे हो दैट दिस हैज बीन फॉलोइंग एंड स्लाइटली इंक्रीजिंग. ये जो ब्लू लाइंस, वर्टिकल लाइंस दिख रही है, दिस रिप्रेजेंट्स द ट्रेड बैलेंस, एंड इट इज ऑल बिलो जीरो फ्रॉम 1993 टिल 2017-18. ये हर ईयर में जो ग्राफ है जीरो के नीचे है, मतलब नेगेटिव है. नेगेटिव का मतलब ये है कि हमारे इम्पोर्ट्स ज्यादा है एज कम्पेयर टू एक्सपोर्ट्स. तो अगर हम गुड्स की बात करें तो गुड्स में हम नेगेटिव बैलेंस में चल रहे हैं, हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड नेगेटिव है, लेकिन हम सर्विसेज में पॉजिटिव में चल रहे हैं. सो दिस
लाइन रिप्रेजेंट्स द नेट इनविजिबल्स. इनविजिबल्स का यहाँ पे मतलब है सर्विसेज. तो अगर हम सर्विस सेक्टर की बात करें तो हम एक्सपोर्ट्स ज्यादा कर रहे हैं एज कम्पेयर टू इम्पोर्ट्स. इस पॉजिटिव शेयर की वजह से जो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट है, करंट अकाउंट डेफिसिट बेसिकली इनकॉर्पोरेट्स बोथ गुड्स एंड सर्विसेज, तो उसकी वजह से करंट अकाउंट डेफिसिट में थोड़ी इंप्रूवमेंट हो जाती है. लेकिन अगर सिर्फ गुड्स की बात करें तो गुड्स में हम नेगेटिव में चल रहे हैं. ओवरऑल पिक्चर अगर हमें समराइज करनी हो मर्चेंडाइज गुड्स की, इंडियन इकोनॉमी की क्या पोजीशन है, तो ऑल्दो एक्सपोर्ट्स इंक्रीज हो रहे हैं लेकिन इंपोर्ट्स उससे भी ज्यादा रेट पे ग्रो कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी कंट्री का ट्रेड डेफिसिट बढ़ रहा है. और हमारा जो शेयर है, हम जितना एक्सपोर्ट करते हैं उसको अगर हम वर्ल्ड एक्सपोर्ट से कंपेयर करें तो वो जो शेयर है दैट इज ओनली 1.7%, जबकि चाइना का वो शेयर 12.8% है. सो अगर हम चाहते हैं कि हम उस तरीके के बेनिफिट्स रीप कर पाए, हम उस तरीके के बेनिफिट्स अचीव कर पाए अपनी इकोनॉमी जैसे चाइना, जैसे चाइनीज इकोनॉमी ने करे हैं, तो हमें इस चीज पे फोकस करना पड़ेगा. वी विल हैव टू फोकस ऑन आवर एक्सपोर्ट्स एंड वी विल हैव टू थिंक ऑफ स्ट्रेटजीज कि किस तरीके से हम अपने एक्सपोर्ट्स इंक्रीज करें और किस टाइप के एक्सपोर्ट्स इंक्रीज करें. सो कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो अराइज होते हैं और कि किस तरीके की पॉलिसी इंटरवेंशंस होनी चाहिए दैट विल हेल्प अस अचीव फास्टर एक्सपोर्ट ग्रोथ, पहला. और अगर हम पॉलिसीज की बात कर रहे हैं तो हम किस तरीके का एक्सपोर्ट ग्रोथ अचीव करना चाहते हैं. सो ब्रॉडली हम दो तरीके के एक्सपोर्ट ग्रोथ प्रोसेस की बात करते हैं. पहला है स्पेशलाइजेशन, जिसको हम इंटेंसिव मार्जिन के नाम से भी बोलते हैं, और दूसरा है डाइवर्सिफिकेशन, जिसको हम एक्सटेंसिव मार्जिन के नाम से भी बोलते हैं. सो द सेकेंड क्वेश्चन इज कि हम इंडियन इकोनॉमी को किस तरीके की एक्सपोर्ट ग्रोथ पॉलिसी टारगेट करनी चाहिए. स्पेशलाइजेशन का मतलब होता है, जिसको इंटेंसिव मार्जिन भी बोल रहे हैं, कि आप ऐसे गुड्स में एक्सपोर्ट करें, आप ऐसे गुड्स में ट्रेड करें जो आप, जिसमें आप स्पेशलाइज करते हैं. तो इंटरनेशनल ट्रेड में हमने पढ़ा है कि कंपैरेटिव एडवांटेज एक कॉन्सेप्ट होता है, और जिसका मतलब है कि हमारी इकोनॉमी जिस भी गुड के प्रोडक्शन में कंपैरेटिव एडवांटेज गेन करती है उस गुड में ट्रेड करना. डाइवर्सिफिकेशन और एक्सटेंसिव मार्जिन इज एन ऑपोजिट कॉन्सेप्ट, जहां पे हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स में ट्रेड करते हैं एंड डिफरेंट कंट्रीज को करते हैं. सो स्पेशलाइजेशन और डाइवर्सिफिकेशन का एक और डिफरेंस है, विच इज कि पहला तो ये हो गया कि आप स्पेशलाइजेशन में उन गुड्स की बात कर रहे हैं जिनमें आप कंपैरेटिव एडवांटेज अचीव करते हैं. डाइवर्सिफिकेशन में आप उन गुड्स की बात कर रहे हैं जो एक डाइवर्सिफाइड पूल है, तरह तरह के वैरायटी ऑफ गुड्स. दूसरा इंटरप्रिटेशन स्पेशलाइजेशन और डाइवर्सिफिकेशन का ये है कि स्पेशलाइजेशन का मतलब है कि आप स्पेसिफिक कंट्रीज के साथ ट्रेड कर रहे हो, कि जिन कंट्रीज के साथ आप पहले ट्रेड करते थे आप उन्हीं कंट्रीज के साथ ट्रेड कर रहे हो, और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो ट्रेड इंक्रीज हो रहा है. सो टाइम को अगर आप कंपेयर करो लास्ट ईयर से आज का ईयर या नेक्स्ट ईयर, तो उन्हीं स्पेसिफिक कंट्रीज के साथ आपका ट्रेड बढ़ता जा रहा है. डाइवर्सिफिकेशन का दूसरा इंटरप्रिटेशन ये होता है कि ना सिर्फ आप उन कंट्रीज के साथ ट्रेड कर रहे हो जिनके साथ आप पहले कर रहे थे, बल्कि आप और नई कंट्रीज के साथ ट्रेड कर रहे हो, तो आपका जो ट्रेड है वो हॉरिजॉन्टली एक्सपैंड हो रहा है. सपोज ये इंडियन इकोनॉमी है और ये एक स्पेसिफिक फॉरेन कंट्री है. स्पेशलाइजेशन का मतलब है आप इसी लिमिटेड कंट्रीज के साथ, इन लिमिटेड सेट ऑफ कंट्रीज के साथ ट्रेड कर रहे हो और उन गुड्स में कर रहे हो जिनमें आप स्पेशलाइज करते हो. डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होगा कि आप हॉरिजॉन्टली भी अपना जो बेस है वो एक्सपैंड कर रहे हो, मतलब आप नई कंट्रीज के साथ ट्रेड कर रहे हो, और ऑल्सो यू आर ट्रेडिंग इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ गुड्स. तो डाइवर्सिफिकेशन को हम एक्सटेंसिव मार्जिन बोलते हैं, जिसमें हम तरह तरह की कमोडिटीज में ट्रेड करते हैं और डिफरेंट कंट्रीज के साथ करते हैं. इंटेंसिव का मतलब हो गया कि आप स्पेशलाइज्ड गुड्स में ट्रेड करते हो और सेम कंट्रीज के साथ ट्रेड करते हो जिनके साथ आप पहले ट्रेड कर रहे थे. तो इंडिया के लिए गिवन द सिचुएशन, गिवन द काइंड ऑफ रिसोर्सेज दैट वी हैव, व्हाट इज द काइंड ऑफ पॉलिसी दैट इंडिया शुड टारगेट. सो ये दूसरा क्वेश्चन है जो हम इस चैप्टर में आंसर करने की कोशिश करेंगे. देन थर्ड इज दैट इज इट इन आर इंटरेस्ट टू प्रमोट स्ट्रॉन्ग लोकल लिंकेजेस फॉर डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज और टू पार्टिसिपेट इन ग्लोबल वैल्यू चेन. GVCs यहाँ पे इसका मतलब है ग्लोबल वैल्यू चेन्स वेर इन लिंकेजेस आर ग्लोबली डिस्पर्स्ड. सो अगेन जिस तरीके की एक्सपोर्ट हम कर रहे हैं, क्या हमें एक्सपोर्ट
ऐसे करना चाहिए जो एक्सपोर्ट करने के लिए आपको प्रोड्यूस करना पड़ता है. आप कोई भी गुड एक्सपोर्ट करते हो उसमें एक प्रोडक्शन प्रोसेस जो है एक बैकग्राउंड में फॉलो होता है. तो वो जो प्रोडक्शन प्रोसेस है क्या वो लोकली लिंक्ड होना चाहिए? लोकली लिंक्ड का मतलब है कि डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज जो आपकी इंडियन इकोनॉमी इंडियन इंडस्ट्रीज है आप उसी में आप उसी के विद इन प्रोडक्शन प्रोसेस कर रहे हो. या दूसरा स्ट्रैटेजी हो सकता है कि आप ग्लोबल वैल्यू चेन्स में पार्टिसिपेट करो जहां पे लिंकेजेस जो है ग्लोबली डिस्पर्स्ड हैं. यहाँ पे लिंकेज का मतलब है कि एक प्रोडक्शन प्रोसेस में जैसे मान लीजिए डिफरेंट स्टेप्स होते हैं कि पहले रॉ मटेरियल्स किसी ने प्रोड्यूस करे, फिर वो रॉ मटेरियल्स दूसरे स्टेप पे आते हैं जहां पे उन रॉ मटेरियल्स को दोबारा रिफाइन करके इंटरमीडिएट गुड्स बनाया जाता है. देन इंटरमीडिएट गुड्स आर फाइनली ट्रांसफर्ड टू फाइनल कमोडिटीज. देन दीज फाइनल कमोडिटीज आर आल्सो ट्रांसफर्ड टू द नेक्स्ट स्टेज जहां पे इनकी ब्रांडिंग होती है, मार्केटिंग होती है. सो थर्ड क्वेश्चन ये है कि ये जो डिफरेंट लिंक्स होते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस में, क्या ये लिंक्स हमारे डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज के विद इन होने चाहिए? क्या ये सारा प्रोसेस जो है सिर्फ विद इन द बाउंड्रीज ऑफ इंडियन इकोनॉमी होना चाहिए या हमें ग्लोबल वैल्यू चेन्स में पार्टिसिपेट करना चाहिए? ग्लोबल वैल्यू चेन्स को हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, लेकिन ब्रॉडली इसका मतलब है कि जहां पे पूरा प्रोडक्शन प्रोसेस जो है ग्लोबली डिस्पर्स्ड होता है. मतलब कि सपोज अगर आप बात करो किसी क्लोथ की, तो उस क्लोथ का जो रॉ मटेरियल है विच इज कॉटन, मे बी दैट इज प्रोड्यूस्ड इन इंडिया. Then this cloth, इस कॉटन को दोबारा रिफाइन करके सपोज आपको थ्रेड बनाना है, तो दैट प्रोडक्शन कन्वर्जन ऑफ कॉटन इन टू थ्रेड इज परफॉर्म्ड इन सम अदर कंट्री से थाईलैंड. देन थाईलैंड से ये कमोडिटी चाइना में जाती है और चाइना में फाइनली इसको असेंबल कर रहे हैं. सो ग्लोबल वैल्यू चेन ऐसी प्रोसेस है जहां पे प्रोडक्शन प्रोसेस के डिफरेंट पार्ट डिफरेंट कंट्रीज में परफॉर्म हो सकते हैं. सो बेसिकली ज्योग्राफिकली स्प्रेड आउट होता है ग्लोबल वैल्यू चेन. सो इन लिंकेजेस को भी स्टडी करना इंपॉर्टेंट है कि क्या ये लिंकेजेस हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज के विद इन होनी चाहिए या हम ग्लोबल वैल्यू चेन्स में पार्टिसिपेट करें. एंड देन द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज कि कौन सी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो सबसे ज्यादा पोटेंशियल होल्ड करती हैं एक्सपोर्ट ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए. अगर हम ये मान रहे हैं कि एक्सपोर्ट ग्रोथ की वजह से हमारी इकोनॉमी का अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है, एंड अनएम्प्लॉयमेंट के साथ बहुत सारे एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स हैं जैसे कि पावर्टी एंड डिफरेंट काइंड of social issues that we have in the Indian economy. So, कौन सी ऐसी industries हैं जो export growth के लिए सबसे ज़्यादा important हैं? So, इस तरीके के कुछ questions हैं जो हम इस chapter में answer करने की कोशिश करेंगे. And we begin by saying that India must focus on a group of industries referred to as network products. So, इस पूरे chapter में हम इन products की definitely in detail discussion करने वाले हैं. Network products जहां पे प्रोडक्शन प्रोसेस जो है ये ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जहां पे प्रोडक्शन प्रोसेस ग्लोबली फ्रैगमेंटेड होता है एंड कंट्रोल्ड बाय लीडिंग मल्टीनेशनल एंटरप्राइजेस विद इन देयर प्रोड्यूसर ड्रिवन ग्लोबल प्रोडक्शन नेटवर्क्स. नेटवर्क प्रोडक्ट्स ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो सिर्फ एक कंट्री में प्रोड्यूस नहीं होते हैं, दे आर बेसिकली प्रोड्यूस्ड इन डिफरेंट इकोनॉमीज. डिफरेंट इकोनॉमीज पार्टिसिपेट इन द प्रोडक्शन प्रोसेस. हर इकोनॉमी किसी एक प्रोडक्शन प्रोसेस के किसी एक पार्ट में स्पेशलाइज करता है और वो कंट्री उस पार्ट को परफॉर्म करता है एंड देन इट पासेस ऑन टू द नेक्स्ट कंट्री. सो बट दिस एंटायर प्रोडक्शन प्रोसेस इज कंट्रोल्ड बाय सम एमएनई, सम मल्टीनेशनल एंटरप्राइज. तो इन प्रोडक्ट्स को नेटवर्क प्रोडक्ट्स भी इसीलिए बोला जाता है क्योंकि ये प्रोडक्ट्स जो है एक नेटवर्क के थ्रू प्रोड्यूस होते हैं. डिफरेंट इकोनॉमीज गेट इनटू द प्रोडक्शन प्रोसेस ऑफ दीज कमोडिटीज. प्रोड्यूसर ड्रिवन ग्लोबल प्रोडक्शन नेटवर्क्स क्या होते हैं ये हम आगे डिस्कस करेंगे इन डिटेल, जहां पे हम बायर ड्रिवन और प्रोड्यूसर ड्रिवन ग्लोबल प्रोडक्शन नेटवर्क्स के बीच में डिफरेंशिएट करेंगे. नेटवर्क प्रोडक्ट्स के एग्जांपल क्या हैं? कंप्यूटर्स, इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स, रोड व्हीकल्स एटसेट्रा. टू बिगिन विथ फॉर एग्जाम्पल, अगर आप नहीं जानते तो जो भी मोस्ट एप्पल प्रोडक्ट्स हैं, एप्पल विच इज अ यूएस अमेरिकन, इट इज एन अमेरिकन कंपनी, इट इज एन अमेरिकन मल्टीनेशनल एंटरप्राइज, बट यू वुड बी सरप्राइज टू नो दैट मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स आर एक्चुअली प्रोड्यूस्ड इन डिफरेंट इकोनॉमीज लाइक द चाइनीज इकोनॉमी और अदर साउथ एशियन इकोनॉमीज. अगर आपके पास कोई एप्पल प्रोडक्ट है तो आप एक्चुअली में देख सकते हो
उस प्रोडक्ट में कहीं ना कहीं लिखा होगा असेंबल्ड इन चाइना, बिकॉज एंड दैट इज दैट मेक्स दीज काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स एज नेटवर्क प्रोडक्ट्स, बिकॉज दे आर नॉट रियली प्रोड्यूस्ड इन वन इकोनॉमी बट दे गो थ्रू डिफरेंट इकोनॉमीज एंड उनका पूरा प्रोडक्शन प्रोसेस जो है ग्लोबली फ्रेगमेंटेड होता है, पूरे ग्लोब के अक्रॉस ये प्रोड्यूस होते हैं. और चाइना के लिए जो रिमार्केबल चाइनीज ग्रोथ हुआ है ओवर रिसेंट पीरियड ऑफ टाइम इज प्राइमरली ड्रिवन बाय deliberate specialization at large scale in labor intensive activities, especially network products. तो चाइना का जो ग्रोथ है वो मेजरली इन नेटवर्क प्रोडक्ट्स की वजह से हो रहा है. अब चाइना क्या करती है, चाइना मोस्टली असेंबलिंग में इन्वॉल्व होती है. मतलब कि अगर कोई प्रोडक्ट, लेट्स से एक लैपटॉप है एप्पल का, वो प्रोड्यूस हो रहा है, तो चाइना विल इम्पोर्ट दी in raw materials or basically the technology that you would need to make this laptop. Once these raw inputs come to the Chinese economy, then the Chinese economy will basically assemble these different parts. So ye jo different parts hai inko असेंबल करने का काम चाइना करती है. और असेंबलिंग के लिए किन लोगों की रिक्वायरमेंट होती है, अनस्किल्ड लेबर. इसके लिए हमें कोई बहुत ही स्किल्ड लेबर की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि जो भी स्किल्ड काम है वो ऑलरेडी डेवलप्ड इकोनॉमीज करके हमको दे रही है. तो चाइना में क्या होता है, ये जब पार्ट्स एंड कॉम्पोनेंट्स चाइना इम्पोर्ट करता है तो इनको असेंबल करके एक फाइनल कमोडिटी बनाता है. और इस पूरे प्रोडक्शन प्रोसेस में चाइना बहुत एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा है फॉर दी अनस्किल्ड लेबर, जो कि चाइना में एक मेजर पॉपुलेशन है. तो और इन कमोडिटीज को हम नेटवर्क प्रोडक्ट्स बोल रहे हैं. तो द रिमार्केबल ग्रोथ दैट द चाइनीज इकोनॉमी हैज अचीव्ड इज मेनली बिकॉज ऑफ दीज नेटवर्क प्रोडक्ट्स एंड द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द अनस्किल्ड लेबर इन दिस प्रोडक्शन प्रोसेस. एंड सिमिलरली हम बोलना चाह रहे हैं कि सिमिलर स्ट्रैटेजी कैन ऑल्सो बी अडॉप्टेड बाई द इंडियन इकोनॉमी. और अगर इंडियन इकोनॉमी ऐसा करती है टैगलाइन इज असेंबल इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड, मतलब इंडिया में हम पार्ट्स एंड कंपोनेंट्स इंपोर्ट करें एंड इंडिया में अनस्किल्ड लेबर की मदद से हम इन पार्ट्स एंड कंपोनेंट्स को असेंबल करके फाइनल कमोडिटी बनाएं और ये फाइनल कमोडिटी फिर हम पूरे वर्ल्ड को एक्सपोर्ट करें. और इसकी मदद से हमारा जो एक्सपोर्ट शेयर है, जो कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि 1.7% है 2018 में, दैट कैन इंक्रीज टू अबाउट 3.5% बाय 2025 एंड 6% बाय 2030. सो अगर हम इन नेटवर्क प्रोडक्ट्स में पार्टिसिपेट करें तो हमारा एक्सपोर्ट शेयर जो है वो इंक्रीज हो सकता है एंड दैट कैन फर्दर लीड टू डेवलपमेंट्स इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और पॉवर्टी इरैडिकेशन एटसेट्रा. In this entire process, it is expected that India can create 4 crore well-paid jobs by 2025 and 8 crore jobs by 2013, जो कि इंडियन इकोनॉमी के लिए काफी beneficial हो सकता है. तो this is the major element that this chapter is trying to focus on. और अब आगे के कुछ sections में हम current situations पढ़ेंगे. We will try and compare the Indian economy with the Chinese economy and other South Asian economies and understand कि ऐसा क्या है जो Chinese economy में export के terms में हो रहा है और जो Indian economy copy कर सकती है, Indian economy follow कर सकती है. So the first is to understand India's export अंडर परफॉर्मेंस. एक्सपोर्ट के टर्म्स में हम कह रहे हैं कि कंपेयर टू चाइना इंडिया इज एन अंडर परफॉर्मर, इतना नहीं परफॉर्म कर पा रही है. तो एग्जैक्टली क्या डायनेमिक्स हैं, क्या स्टैट्स हैं, वो हम इस सेक्शन में पढ़ेंगे. स्पेशलाइजेशन वर्सेज डाइवर्सिफिकेशन. जैसे द क्वेश्चन इज दैट वेदर इट इज, जो इंडिया का जो अंडर परफॉर्मेंस है, पहले हम क्लेम कर रहे हैं दैट इंडिया हैज अंडर परफॉर्म्ड इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट्स इफ यू कंपेयर द इंडियन इकोनॉमी टू द चाइनीज इकोनॉमी. फिर दूसरा है कि ये जो अंडर परफॉर्मेंस है क्या ये स्पेशलाइजेशन की वजह से है या डाइवर्सिफिकेशन की वजह से है. यहाँ पे हम नीचे देखेंगे कि हमने ग्राफ्स जो प्लॉट करे हुए हैं, यहाँ पे हमने तीन ग्राफ्स हैं यहाँ पे. पहला है वर्ल्ड एक्सपोर्ट शेयर, मतलब और हम इंडिया और चाइना को कंपेयर कर रहे हैं. ये जो रेड लाइन है ये चाइनीज इकोनॉमी की है, ब्लू लाइन इंडियन इकोनॉमी की है. पहले ग्राफ में हम दिखा रहे हैं कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम फ्रॉम 2000 टू 2015 चाइनीज वर्ल्ड एक्सपोर्ट शेयर, ये वर्ल्ड एक्सपोर्ट शेयर रेशियो है जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, एक्सपोर्ट ऑफ द कंट्री
ऊपर न्यूमरेटर में हम यहाँ तो चाइनीज एक्सपोर्ट ले रहे हैं या इंडियन एक्सपोर्ट ले रहे हैं और नीचे हम टोटल वर्ल्ड के एक्सपोर्ट ले रहे हैं. तो ये जो शेयर है ये चाइना के लिए ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम बहुत स्टीपली ग्रो कर रहा है, जबकि इंडिया के लिए ये बहुत ही कॉन्स्टेंट और बहुत ही फ्लैट ग्रोथ प्रोसेस है, जबकि चाइना के लिए ये बहुत मैसिव लेवल पे ग्रो कर रहा है. यहाँ आप देखोगे कि दिस इज अबाउट 24.7%. देन द सेकंड पैनल रिप्रेजेंट्स द स्पेशलाइजेशन इफेक्ट एंड दिस रिप्रेजेंट्स द डाइवर्सिफिकेशन इफेक्ट. तो ये जो शेयर है, ये जो वर्ल्ड एक्सपोर्ट का शेयर है, ये इसका कौन सा पार्ट स्पेशलाइजेशन इफेक्ट की वजह से एक्सप्लेन हो रहा है और कितना पार्ट डाइवर्सिफिकेशन की वजह से एक्सप्लेन हो रहा है, ये दोनों चार्ट्स में गिवन है. हम देखेंगे कि ये जो गैप है इंडिया और चाइना के बीच का, जो ये गैप आप देख रहे हो इन टर्म्स ऑफ वर्ल्ड एक्सपोर्ट शेयर, दिस इज मेजरली कमिंग फ्रॉम पैनल बी विच इज स्पेशलाइजेशन इफेक्ट. आप देखोगे कि स्पेशलाइजेशन के टर्म्स में इंडिया और चाइना में बहुत मेजर गैप है, जबकि डाइवर्सिफिकेशन में the Indian economy is coping with the Chinese economy very well. It is following the Chinese economy very well. Hamara jo percentage share hai in terms of diversification, it is almost very very close to the Chinese share. To agar hum baat kare ye jo world export share mein itna gap hai India aur China ka, that is majorly coming from the specialization effect. Aur specialization effect kya hota hai? That you are exporting in limited set of goods jisme aap कंपैरेटिवली ज्यादा एडवांटेज अटेन कर रहे हो. तो इंडियन इकोनॉमी स्पेशलाइजेशन पे इतना फोकस नहीं कर पा रहा है, ये इन चार्ट से हमें दिख रहा है. सो व्हाट इंडिया इज एक्चुअली डूइंग इज दैट इंडिया इज स्प्रेडिंग इट्स एक्सपोर्ट टू ओवर मेनी प्रोडक्ट्स एंड मेनी पार्टनर्स इंस्टेड ऑफ स्ट्रीमलाइनिंग द एक्सपोर्ट्स टू लिमिटेड सेट ऑफ गुड्स एंड लिमिटेड सेट ऑफ कंट्रीज. इंडिया डाइवर्सिफिकेशन में ज्यादा इन्वॉल्व्ड है, जिसमें वो डिफरेंट कमोडिटीज, डिफरेंट प्रोडक्ट्स को, डिफरेंट पार्टनर्स को एक्सपोर्ट कर रहा है, लेकिन हर पार्टनर को बहुत कम अमाउंट प्रोड्यूस कर पा रहा है. सो ऑब्वियसली जब आप डाइवर्सिफाई कर रहे हो तो आप डिफरेंट पार्टनर्स के साथ एक्सपोर्ट कर रहे हो, डिफरेंट कमोडिटीज में कर रहे हो. जबकि चाइना का जो प्रोसेस है वो है कि वो एक स्ट्रीमलाइन एक्सपोर्ट प्रोसेस को फॉलो कर रहा है, जिसमें वो लिमिटेड सेट ऑफ कंट्रीज में ज्यादा अमाउंट प्रोड्यूस कर रहा है. Another important effect to see here is decomposition of this specialization effect into quantity and price effects. Ab specialization humne dekha ki jo India aur China ka gap hai, that is majorly coming because of the specialization effect. Matlab now this specialization, ये जो स्पेशलाइजेशन है ये इंक्रीज हो सकता है या तो बिकॉज ऑफ क्वांटिटी या बिकॉज ऑफ प्राइसेस. अगर मैं कंपेयर करूं, यहां हम 15 साल का बैंडविड्थ ले रहे हैं 2000 से लेके 2015 तक, तो एक रीजन हो सकता है कि आपका स्पेशलाइजेशन एक्सपोर्ट वैल्यू इंक्रीज हो रहा है बिकॉज क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है. मतलब पहले सपोज इफ आई से कि $100 था हमारा एक्सपोर्ट और अब हो गया है $1000, ये मैं बता रही हूँ टोटल वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स. इतना वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स हो रहा था 2000 में. दीज आर हाइपोथेटिकल नंबर्स जस्ट सो दैट यू अंडरस्टैंड द प्रोसेस. एंड लेट्स से नाउ इन 2015 $1000 का एक्सपोर्ट हो रहा है. नाउ दिस इंक्रीज कुड बी बिकॉज ऑफ टू रीजंस. वन इज कि जो क्वांटिटी है, मतलब नंबर ऑफ गुड्स एक्सपोर्टेड हैं, वो इंक्रीज हो रहे हैं. पहले सपोज एक गुड एक्सपोर्ट हो रहा था और अब 10 हो रहे हैं, इसकी वजह से ये इंक्रीज हो रहा है. पहले एक गुड $100 का हम एक्सपोर्ट कर रहे थे, अब हम 10 गुड्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं $1000 के. दूसरा रीजन ये हो सकता है कि प्राइस की वजह से ये इंक्रीज हो रहा है. मतलब कि हम पहले भी एक गुड एक्सपोर्ट कर रहे थे और हम अभी भी एक ही गुड एक्सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन पहले एक गुड का प्राइस था $100 और अब इस एक गुड का प्राइस है $1000, इसलिए इसकी वैल्यू 1000 आ रही है अब और पहले 100 आ रही थी. तो ये जो इंक्रीज है, इसको हम रियल और नॉमिनल इफेक्ट्स भी बोलते हैं. ये जो इंक्रीज है स्पेशलाइजेशन एक्सपोर्ट का, क्या ये क्वांटिटी की वजह से हो रहा है या ये प्राइसेस की वजह से हो रहा है? क्योंकि देन इट बिकम्स इट गिव्स अस
एन इंटरेस्टिंग रिजल्ट कि ये किस वजह से इंक्रीज हो रहा है. तो यहाँ पे अगेन हमारे पास दो कर्व्स हैं, एक इंडियन इकोनॉमी के लिए, एक चाइनीज इकोनॉमी के लिए. और हम देख रहे हैं कि ये फर्स्ट जो ग्राफ है ये हमें क्वांटिटी इफेक्ट बता रहा है. हम देखेंगे कि ये जो गैप है, अगेन दिस गैप इज इंक्रीजिंग बिकॉज ऑफ क्वांटिटी. मतलब इंडिया और चाइना का जो वर्ल्ड शेयर का गैप है, हमने फर्स्ट सेक्शन में पढ़ा था दैट इंडियाज शेयर इज 1.7 एंड चाइनाज शेयर इज 12.8%. तो ये जो इतना बड़ा गैप है, पहले हमने एक रिजल्ट बिल्ड करा कि दिस इज बिकॉज ऑफ स्पेशलाइजेशन. ये जो गैप है ये स्पेशलाइजेशन की वजह से है. डाइवर्सिफिकेशन में इंडिया और चाइना ऑलमोस्ट सेम ट्रैजेक्टरी फॉलो कर रहे हैं. अब इस स्पेशलाइजेशन को हम फर्दर इस गैप को हम फर्दर ब्रेक डाउन कर रहे हैं और हम बोल रहे हैं कि ये जो स्पेशलाइजेशन का गैप है, दिस इज मेनली बिकॉज ऑफ द गैप इन द क्वांटिटी. मतलब चाइना जो है इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है इन स्पेशलाइज्ड गुड्स, जबकि इंडिया कम कर रहा है. अगर आप प्राइसेस में कंपेयर करें तो प्राइसेस में जो ये गैप है इतना ज्यादा नहीं है. दिस गैप इज एक्चुअली नैरोइंग डाउन, ये गैप कम होता जा रहा है. तो अगर हम प्राइसेस की बात करें कि कितने प्राइसेस पे चाइना एक्सपोर्ट कर रहा है और कितने प्राइसेस पे इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है, इसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है. तो स्पेशलाइजेशन की वजह से इंडिया और चाइना का वर्ल्ड एक्सपोर्ट का शेयर जो है बहुत ज्यादा डिफरेंट है, उसमें बहुत बड़ा गैप है. और ये गैप इस वजह से है बिकॉज ऑफ द क्वांटिटी दैट इज बीइंग एक्सपोर्टेड बाय चाइना कंपेयर्ड टू इंडिया. सो दिस इज फुल्ली ड्रिवन बाय द quantity export. So if India wants to become a major exporter, it should specialize more in the area of its comparative advantage and achieve significant quantity expansion. So this is a lesson for the Indian economy ki agar India export ko grow karna chahta hai, to it will have to become a major, it will have to specialize more in the areas of its comparative advantage. Jin area mein India comparative advantage zyada attain karta hai, un areas mein ज्यादा क्वांटिटी में इंडिया को एक्सपोर्ट करना होगा टू अचीव द लेवल दैट चाइनीज इकोनॉमी हैज. नेक्स्ट सेक्शन जिसमें हम इंडिया और चाइना को कंपेयर कर रहे हैं वो है लो लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन इन ग्लोबल वैल्यू चेन्स. तो हम बोल रहे हैं कि इंडिया का जो पार्टिसिपेशन है वो ग्लोबल वैल्यू चेन्स में कम रहा है डिस्पाइट बींग अबंडेंट इन लेबर. ये बात में हमें कोई शक नहीं है कि इंडिया में जो लेबर का क्वांटिटी है वो बहुत ज्यादा है और हमारे पास ट्रेडिशनल अनस्किल्ड लेबर की कोई कमी नहीं है. लेकिन डिस्पाइट दिस अबंडेंस इन लेबर इंटेंसिव, डिस्पाइट द अबंडेंस ऑफ लेबर एंड अनस्किल्ड लेबर, हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं वो लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज में डिक्लाइन करे हैं बाय फ्रॉम 30.7% टू 16.3%. अगर हम यहां देखें फिगर 4.1 और 4A और 4B को अगर हम कंपेयर करें, तो ये वाला जो ग्राफ है, दिस इज फॉर द इंडियन इकोनॉमी एंड दिस इज फॉर द चाइनीज इकोनॉमी. हम बात कर रहे हैं नॉन ऑयल मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स. मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स का मतलब है एक्सपोर्ट्स इन गुड्स, हम यहाँ पे सर्विसेज की बात नहीं कर रहे हैं. और नॉन ऑयल का मतलब है कि ऑयल के अलावा, क्योंकि हम ऑयल जो है एक मेजर एक्सपोर्ट बास्केट में एक मेजर कंपोनेंट है, तो हम ऐसी कमोडिटीज की बात कर रहे हैं जो ऑयल के अलावा हम एक्सपोर्ट करते हैं. सिमिलरली हम चाइना के लिए भी नॉन ऑयल मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स की बात कर रहे हैं. हम देखेंगे कि यहाँ पे कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज का एक्सपोर्ट इंक्रीज हो रहा है इंडिया के लिए. फ्रॉम 2000 to 2018 हमारा जो कैपिटल इंटेंसिव एक्सपोर्ट है दैट हैज बीन इंक्रीजिंग. इनफैक्ट अनस्किल्ड लेबर, ये जो रेड लाइन है ये रिप्रेजेंट करती है अनस्किल्ड लेबर को, अनस्किल्ड लेबर का परसेंटेज एक्चुअली फॉल कर रहा है जबकि हमारी इकोनॉमी का कंपैरेटिव एडवांटेज अनस्किल्ड लेबर में है. तो हमें इस चार्ट से ये दिख रहा है कि हमारा पार्टिसिपेशन इन द लेबर इंटेंसिव अनस्किल्ड लेबर इंटेंसिव कमोडिटीज इज एक्चुअली फॉलिंग, जबकि कैपिटल इंटेंसिव में हमारा जो पार्टिसिपेशन है वो इंक्रीज हो रहा है. इसको अगर आप कंपेयर करो चाइना से, तो आप देखोगे कि चाइना का शेयर ऑफ कैपिटल इंटेंसिव इज हायर देन इंडिया. यहाँ 53% है, यहाँ पे 72% है. एंड अनस्किल्ड लेबर का भी जो शेयर है दैट इज हायर देन इंडिया. इट इज 16.3% एंड इट इज 20.5% इन 2018. ऑल्दो अगर आप ट्रेंड देखो तो ट्रेंड चाइना का भी 2000 से 2018 में फॉल हुआ है इन टर्म्स ऑफ लेबर इंटेंसिव कमोडिटीज,
लेकिन द अमाउंट द परसेंटेज इज स्टिल हायर देन द इंडियन परसेंटेज. बोल रहे हैं कि चाइना का जो एक्सपोर्ट कॉम्पोजिशन है उसमें ट्रेडिशनल लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज का एक मेजर पार्टिसिपेशन है, और इसके अलावा भी अगर हम कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज की बात करें तो इन कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज में भी मेजर जो कंट्रीब्यूशन है वो लेबर का है. मतलब ऑल्दो एक्सपोर्ट हम कैपिटल इंटेंसिव कमोडिटीज कर रहे हैं, लेकिन इन कैपिटल इंटेंसिव कमोडिटीज के लिए सपोज डिफरेंट स्टेजेस हैं. अगर कैपिटल इंटेंसिव कमोडिटी सपोज करो कोई एक इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, नाउ इस कैपिटल इंटेंसिव कमोडिटी का एक्सपोर्ट चाइना से बढ़ रहा है, ये हमें इस ग्राफ में दिख रहा है, जो कि ग्लोबल वैल्यू चेन में हमने समझा था कि सिंस इस कमोडिटी को प्रोड्यूस करने के लिए डिफरेंट सेगमेंट्स हो सकते हैं, डिफरेंट स्टेजेस हो सकती हैं. एक स्टेज हो सकती है कि आप इसका रॉ मटेरियल बनाओ, ऐसी टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर हार्डवेयर जिसके लिए आपको ये इलेक्ट्रॉनिक आइटम जिसकी मदद से आप ये इलेक्ट्रॉनिक आइटम बनाओगे, वो वाला जो प्रोडक्शन प्रोसेस का पार्ट है दैट इज कॉल्ड एज अ स्किल्ड, दिस इज मोर स्किल्ड. लेकिन जो दूसरा पार्ट होगा वो होगा इन सारे पार्ट्स एंड कंपोनेंट्स को असेंबल करना, जो कि एक अनस्किल्ड काम है, जो कि एक दूसरी स्टेज हो सकती है इस प्रोडक्शन प्रोसेस की. तो ये वाला जो स्टेज है कैपिटल इंटेंसिव कमोडिटीज का वो चाइना में ज्यादा हो रहा है. तो ऑल्दो कैपिटल इंटेंसिव कमोडिटीज एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं, लेकिन इन एक्सपोर्ट्स का भी वो वाला पार्ट बढ़ रहा है जिसमें लेबर का पार्टिसिपेशन ज्यादा है. मतलब चाइना का जो पार्टिसिपेशन है ग्लोबल वैल्यू चेन्स में वो ज्यादा है एज कंपेयर्ड टू इंडिया. बट दो पैटर्न्स जो यहाँ पे हमें दिख रहे हैं जिन पे फोकस करना इंपॉर्टेंट है. पहला पैटर्न कि कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्ट्स का जो एक्सपोर्ट है वो चाइना में इंक्रीज हुआ है 2000 के बाद से. इससे पहले, इससे दो डेकेड्स पहले, दैट इज 1980 से 2000 में चाइना में ट्रेडिशनल अनस्किल्ड लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट्स का एक्सपेंशन हुआ था. सो बिफोर द एक्सपेंशन ऑफ कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्ट्स जो कि 2000 के बाद से चाइना में हमने देखा है, उससे 20 साल पहले का जो पीरियड था उसमें लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट्स का जो एक्सपोर्ट है, अनस्किल्ड लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट चाइना से इंक्रीज हुआ था. इस तरीके का कोई पैटर्न हमने इंडिया में नहीं देखा है. दूसरा जो है कि जो कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्ट्स का जो ग्रोथ है चाइना में, दैट इज मेनली ड्रिवन बाय हाई लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन इन ग्लोबल वैल्यू चेन्स विद इन दीज इंडस्ट्रीज. अगेन दिस इज नॉट विटनेस्ड इन इंडिया. चाइना की जो एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसीज हैं जो 1990s के बाद से इंट्रोड्यूस हुई थी, दैट हैड फोकस्ड ऑन इंटीग्रेटिंग द डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज विद इन द जीवीस, विच इज मेकिंग यूज ऑफ इम्पोर्टेड पार्ट्स एंड कॉम्पोनेंट्स. चाइना इमर्ज्ड एज अ मेजर असेंबली हब फॉर सेवरल कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्ट्स. एक्सपोर्ट्स हैं उनका जो पेनिट्रेशन, मार्केट पेनिट्रेशन है वो हाई इनकम कंट्रीज में कम है. मतलब इंडिया जिन कंट्रीज को एक्सपोर्ट करता है रिलेटिव टू द चाइनीज इकोनॉमी, उसमें इंडिया का रिलेटिवली पेनिट्रेशन लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज में ज्यादा हो रहा है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एज कंपेयर टू हाई इनकम कंट्रीज. जबकि चाइना के जो एक्सपोर्ट्स हैं उसका मेजर कंपोनेंट, मेजर पेनिट्रेशन हाई इनकम कंट्रीज में है, जो कि हम यहाँ के आगे जो ग्राफ्स हैं उसमें देखेंगे. Now, one major distinction before we read this graph, one major distinction between the capital intensive products of India and China. यहाँ पे जब हम इस 53% की बात कर रहे हैं, मतलब इंडिया के जो कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्ट्स हैं उसका मतलब ये ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि इंटायरली इंडिया में प्रोड्यूस होते हैं. मतलब इंडिया की कैपिटल को यूज करके जो प्रोडक्ट्स यूज होते हैं उनको हम कैपिटल इंटेंसिव बोल रहे हैं. जबकि यहाँ पे जो कैपिटल इंटेंसिव कमोडिटीज एक्सपोर्ट हो रही हैं जो कि चाइना की हैं, इसमें जो कैपिटल का पार्ट है वो बाहर के देशों से आता है और लेबर वाला पार्ट चाइना कॉन्ट्रीब्यूट करता है. जबकि इंडिया के जो कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्शन है उसमें इंडिया ही कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है. तो डेफिनेटली इस रीजन की वजह से भी इंडिया का जो पेनिट्रेशन है हाई इनकम कंट्रीज में वो कम हो रहा है.
because of the dominance of capital intensive products in the export basket, along with a low level of participation in GVC, along with a low level of participation in global value chain, has resulted in a disproportionate shift in India's geographical direction of exports from traditional rich country markets to other destinations. Now, obviously baat hai ki agar aap kisi high income country ko export kar rahe ho, agar aap Indian economy agar kisi developed nation ko export kar rahi hai aur aisa commodity export kar rahi hai जिसका जो कैपिटल इंटेंसिव है ना, अगर वो कैपिटल इंटेंसिव कमोडिटी इंडिया में प्रोड्यूस हुई है तो डेफिनेटली उसकी क्वालिटी एज कंपेयर्ड टू अ कमोडिटी जिसका कैपिटल किसी डेवलप्ड नेशन से आया है, से यूएस, उसकी क्वालिटी में डिफरेंस होगा. तो जब हम कैपिटल इंटेंसिव कमोडिटीज की एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं तो इंडिया ऐसे कैपिटल इंटेंसिव कमोडिटीज एक्सपोर्ट कर रहा है जो इंटायरली इंडिया में प्रोड्यूस हुए हैं. एंड इसकी वजह से क्या होता है, ऑल्दो उनकी कॉस्ट कम होगी, लेकिन जब क्वालिटी की बात आती है तो कोई भी हाई इनकम कंट्री ऐसा कमोडिटी इम्पोर्ट नहीं करना चाहेगी जिसकी क्वालिटी जिससे बेटर क्वालिटी वो खुद प्रोड्यूस कर सकते हैं. ऑन द अदर हैंड चाइना जो एक्सपोर्ट करता है वो ऐसी कमोडिटीज एक्सपोर्ट करता है जिनकी कैपिटल, जो कि कैपिटल इंटेंसिव होते हैं, लेकिन जिनका कैपिटल आता है डेवलप्ड नेशन से. अगर किसी हाई इनकम कंट्री को हम टारगेट कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो इस कैपिटल इंटेंसिव कमोडिटी को इंपोर्ट करना चाहेगा क्योंकि इसका जो कैपिटल है वो एक डेवलप्ड नेशन से आया है, जबकि इसका कैपिटल डेवलप्ड नेशन से नहीं आया है. तो इसकी वजह से जिन कंट्रीज में इंडिया एक्सपोर्ट कर पाता है वो इतनी हाई इनकम कंट्रीज नहीं होती हैं, वो लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज होती हैं. तो अगर आप इस ग्राफ में देखोगे तो यू विल नोटिस अ सिमिलर पैटर्न. इनकम नेशंस ये ब्लू लाइन से रिप्रेजेंट हो रहे हैं और हमारे जो ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं जिनको हम एक्सपोर्ट करते हैं वो हाई इनकम नेशन उनमें से बहुत कम होते जा रहे हैं, जबकि लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज जो ये रेड लाइन से रिप्रेजेंट है वो इंक्रीज हो रहा है. चाइना के ट्रेडिंग पार्टनर्स अगर आप देखोगे तो हाई इनकम कंट्रीज का परसेंटेज ज्यादा है और लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज गैप ज्यादा है. बिटवीन हाई इनकम एंड लो इनकम कंट्रीज जो ये गैप है वो ज्यादा है, जबकि इंडिया के लिए ये गैप बहुत कम है. तो ऑल्दो मेजर जो ट्रेंड है वो सेम है, ये ट्रेंड इसलिए भी सेम हो सकता है बिकॉज ऐसा हो सकता है कि ग्लोबली, बिकॉज रिसेशन का टाइम है और ग्लोबली इकोनॉमीज का जो कैपेसिटी है इम्पोर्ट करने का वो कम हुआ है. तो टाइम का जो ट्रेंड आप देख रहे हो कि 2000 से 2018 में फॉल हो रहा है वो दैट कुड हैव डिफरेंट एक्सप्लेनेटरी फैक्टर्स, बट ये जो गैप है बिटवीन हाई इनकम एंड लो एंड मिडिल इनकम नेशंस वो इंडिया के लिए बहुत कम है. मतलब इंडिया ऑलमोस्ट सेम परसेंटेज हाई इनकम को भी दे रहा है और लोअर मिडिल इनकम को भी दे रहा है, जबकि चाइना में ये परसेंटेज का गैप ज्यादा. स्पेशली दोज विद लो लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन इन जीवीसीज फाइंड इट एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू एक्सपोर्ट कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्ट्स टू द क्वालिटी ब्रांड कॉन्शियस मार्केट्स इन रिचर कंट्रीज. सो ऑब्वियसली कोई भी एक डेवलप्ड नेशन कोई एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट नहीं इम्पोर्ट करना चाहेगा जिसका ब्रांडिंग इंडिया में हुआ हो. आप नहीं मतलब अगर आप यूएस में जाओ तो आप देखोगे कि मोस्टली इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स जो होंगे वो एप्पल के होंगे, वो नहीं चाहेंगे कि वो किसी एक इंडियन इलेक्ट्रॉनिक ब्रांड को इंपोर्ट करें. तो इसके लिए इसी वजह से डिफिकल्ट हो जाता है डेवलपिंग कंट्रीज के लिए जिनका पार्टिसिपेशन जीवीसीज में कम है. मतलब जो ऐसी कमोडिटीज, ऐसी कैपिटल इंटेंसिव कमोडिटीज प्रोड्यूस कर रहे हैं जो किसी ग्लोबल आइडेंटिटी से नहीं आती है, उनके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है डेवलप्ड मार्केट्स में एक्सपोर्ट करना, क्योंकि डेवलप्ड मार्केट्स में ऑलरेडी बेटर क्वालिटी के प्रोडक्ट्स अवेलेबल होते हैं. प्रोडक्ट्स इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर दे आर कैपिटल इंटेंसिव और अनस्किल्ड लेबर इंटेंसिव, दे आर एबल टू पेनिट्रेट इक्वली इनटू हाई इनकम एंड लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज. और चाइना के लिए एक्सपेक्टेड है क्योंकि चाइना जो कैपिटल इंटेंसिव कमोडिटीज एक्सपोर्ट करता है वो मेजरली फॉरेन ब्रांड होते हैं. सो सपोज एप्पल हो गया, तो एप्पल इज अ फॉरेन ब्रांड. तो ऑल्दो वो एक कैपिटल इंटेंसिव कमोडिटी है लेकिन बिकॉज इट हैज अ फॉरेन टाइटल तो चाइना के लिए इजी हो जाता है एक्सपोर्ट करना डेवलप्ड नेशंस में भी और लो एंड मिडिल इनकम नेशंस में भी, जबकि इंडिया के लिए डिफिकल्ट हो जाता है बिकॉज इंडिया का पार्टिसिपेशन ग्लोबल वैल्यू चेन्स में कम है. इंडिया का जो असेंबली है वो ऐसे फॉरेन ब्रांड, इंडिया फॉरेन ब्रांड की कमोडिटीज को नहीं एक्सपोर्ट कर रहा है, जिसकी वजह से इस लो लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन की वजह से इंडिया के लिए डिफिकल्ट हो जाता है हाई इनकम कंट्रीज को एक्सपोर्ट करना, जबकि चाइना के लिए इट इज फेयरली इक्वली
चाइना लो इनकम और हाई इनकम कंट्रीज में पेनिट्रेट कर पा रहा है।